सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल और डीजी पे को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया। तो अपडेट के बारे में जानने के लिए वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, यह आपसे निवेदन करते हैं। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को बीच में कट करके मत जाइएगा। दोनों अपडेट हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। तो कैसे आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके होंगे कि सीएससी वीएलई है, तो दो बड़े अपडेट निकल के आया है और साथ ही 45,000 कुछ ऐसे सीएससी वीएलई है जिनका आईडी डीएक्टिवेट कर दिया गया है, यानी कि डिसेबल कर दिया गया। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे कि वो आईडी क्यों डिसेबल किया गया है और जो हमारा डीजीपे का न्यू अपडेट आया है वो अपडेट क्या है और उसमें काम कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बीबीएफटी इन्फो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, शुरू करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं दिनेश त्यागी सर के ऑफिशियल ट्विटर पे और वहाँ पे जानते हैं दोनों अपडेट के बारे में। तो चलिए डायरेक्ट हम आ गए हैं ट्विटर हैंडल पे दिनेश त्यागी सर के और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा कि 45,971 सीएससी आईडी डिसेबल कर दिया गया है, यानी कि डीएक्टिवेट कर दिया गया। इसका कारण यह है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सीएससी वीएलई हु डू नॉट ट्रांजेक्शन ऑन डिजिटल सेवा पोर्टल आर बेइंग डिलीटेड फ्रॉम द सीएस द सिस्टम। तो यहाँ पे आपको इनका मतलब बता दें कि दिनेश त्यागी सर का कहना यह है कि जो लोग डिजिटल सेवा में ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं किए हैं, इस मंथ में अभी तक नहीं किए हैं, तो उनका आईडी यहाँ पे डिलीट किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 45,971 आदि आईडी यहाँ पे डिलीट किया जा चुका है। और यहाँ पे और भी आपको क्लियर करके बताया गया कि अगर आप इस डीएक्टिवेशन से बचना चाहते हैं तो अभी अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में कुछ ना कुछ जरूर ट्रांजेक्शन कर दीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये डिजिटल सेवा पोर्टल क्या है। तो डिजिटल सेवा पोर्टल हमारा यही हो गया, डिजिटल सेवा पोर्टल यानी कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर ट्रांजेक्शन कर दीजिए, बिल पेमेंट कर दीजिए, पैन कार्ड बना लीजिए या कुछ ना कुछ आप ट्रांजेक्शन यहाँ से जरूर कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो डीजी पे का हमारा न्यू अपडेट आया है वह क्या है। तो डीजी पे के वेबिनार में आप ज्वाइन किए होंगे तो वहाँ पे देखे होंगे कि डीजी पे का एक न्यू वर्जन लॉन्च किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का डीजी पे अभी यूज नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप पीसी में यूज कर रहे हैं या मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ईरर आ रहा है, रिक्वेस्ट हेडर फोल्डर करके कुछ समथिंग रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब ईरर आ रहा है। तो यह ईरर इसलिए आ रहा है कि जो हमारा डीजी पे पुराना वर्जन था उस पुराने वर्जन को रिप्लेस करके एक नया वर्जन अपडेट किया गया है। तो डीजी पे में आप काम करना चाहते हैं तो आप अपने पीसी में या अपने मोबाइल में जो भी पुराना वर्जन है सिंपल से आपको उसको अनइंस्टॉल करना है और अनइंस्टॉल करके फिर से आपको रीइंस्टॉल करना है। और अनइंस्टॉल करने के बाद आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप डीजी पे अनइंस्टॉल कीजिएगा तो मॉर्फो आरडी सर्विस का भी एक नया वर्जन आया है, तो आपको सिंपल से मॉर्फो आरडी सर्विस का भी सारा वर्जन आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो नया वर्जन हम मॉर्फो आरडी सर्विस का कैसे डिलीट करेंगे उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। सिंपल से आप वहां पे देख लीजिए कि नया वर्जन मॉर्फो आरडी सर्विस का कैसे इंस्टॉल करते हैं और डीजीपीए का न्यू वर्जन कैसे इंस्टॉल करते हैं, दोनों का वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए और एक खास बात, डीजीपीए में इस मंथ में आप ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं तो कम से कम आप 100 रुपये का जरूर ट्रांजैक्शन कर लीजिए। अपना अकाउंट से भी आप ट्रांजैक्शन कर लीजिए या किसी कस्टमर के अकाउंट से भी ट्रांजैक्शन कर लीजिए, नहीं तो आपका डीजीपीए भी डिसेबल कर दिया जाएगा। तो यह ध्यान रखिए कि 100 रुपये का जरूर से जरूर ट्रांजेक्शन कर लीजिए अपने डीजीपीए में। ट्रांजेक्शन का मतलब हुआ कि AEPS से आप अपने कस्टमर या अपने खुद के अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।